हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम चैप्टर सेवन भारत देश के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट देखते हैं नाउ रीड द जिस्ट ऑफ द पोएम गिवन ब्लो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेसिज नीचे जो है इस पोएम के कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं और आपको इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स या फ्रेसिस को फिल करना है थ्रू द पोएम भारत देश द स्पीकर बॉन्ड टू शेक ऑफ आर फीय एंड पॉवर्टी एंड सेटअप स्कूल फॉर द स्टूडेंट भारत देश पोएम के थ्रू जो स्पीकर है वो चाहते हैं कि हम अपने फीयर्स और पॉवर्टी को हटा दे एंड सेटअप स्कूल फॉर द स्टूडेंट स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स सेटअप करें तो यहाँ पर आपको शेक फिल करना होगा और नीचे वाले ब्लैंक में पॉवर्टी और स्कूल्स फिल करना होगा नेक्स्ट देखते हैं ही वॉन्ट्स अस टू प्रोड्यूस टूल्स वेपन्स एंड पेपर वे चाहते हैं कि हम सब मिलकर टूल्स प्रोड्यूस करें वेपन्स प्रोड्यूस करें और पेपर इन तीनों को प्रोड्यूस करें तो यहां पर आपको वेपन्स फिल करना होगा ही एडवाइजेज अस नॉट टू बी लेजी और वेयरी एंड ट्राई टू बी जेनरस जो पोएट है वो एडवाइस करते हैं कि हमें ये काम करने में कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए वेयरी थका हुआ नहीं होना चाहिए और हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम जेनरस हो हम काइंडफुल हों तो आपको लेजी वेअरी और जेनरस फिल करना होगा ही वॉन्ट्स हिस्स कंट्री मैन टू नो मोर अबाउट हैवनस ओशंस एंड मून जो पोर्ट चाहते हैं कि जितने भी देशवासी हैं, वो सब हेवंस ओशंस और मून इन तीनों के बारे में अच्छे से जाने फॉलोइंग ऑल दिस आर कंट्री शेल राइज हाई एंड प्रोस्पर इस तरह से इन सबको फॉलो करके जो कंट्री है उसकी प्रोग्रेस होगी उसका डेवलपमेंट होगा और जो देश है वो ऊंचाइयों को छुएगा इसके बाद बी पार्ट देखते हैं On the basis of your understanding of the poem, match the following phrases appropriately as done in the example. यहाँ पर कुछ phrases दिए गए हैं इनको match करना है सामने इसके answers देखते हैं First है shake off. इसका answer है fears and poverty. हम fears and poverty को हटा देंगे Stroll on snow clad silvery heights. हम बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियों पर silvery हाइट्स पर स्ट्रॉल करेंगे घूमेंगे सेल अक्रॉस हाई सीज हम अपने शिप्स हाई सीज पर तैराएंगे सेटअप स्कूल टेम्पल स्कूल सेटअप करेंगे जो हमारे पवित्र मंदिर है थम्प आर शोल्डर्स हम अपने शोल्डर्स पर थपथपाएंगे मेक टूल्स एंड वेपन्स हम टूल्स एंड वेपन्स बनाएंगे प्रोड्यूस पेपर हम पेपर प्रोड्यूस करेंगे ओपन फैक्ट्रीज एंड स्कूल्स हम फैक्ट्रीज और स्कूल्स खोलेंगे नेवर भी और वेयरी हम कभी भी सुस्त नहीं होंगे या थके नहीं होंगे एवर भी जेनरस हम हमेशा जेनरस होंगे काइंडफुल होंगे स्पीक द ट्रूथ हम सदा सच बोलेंगे लर्न स्क्रिप्चर्स एंड साइंसेस हम स्क्रिप्चर्स और साइंसेस को सीखेंगे एक्सप्लोर है ओशंस को एक्सप्लोर करेंगे अनस्ट्रीज ऑफ मून हम मून के रहस्यों को सुलझाएंगे उनका पता लगाएंगे इसके बाद डी पार्ट देखते हैं गिवेन बिलो आर अव एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर कंप्लीट दीज बाई फिलिंग इन द ब्लैंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम बिलो वन है एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको आपको नीचे ब्लैंक में फिल करना है फर्स्ट है द बेबी हैजॉफ्ट स्किन हर रेबेट स्किन फैसिनेटेड मीन बेबी की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है उसकी जो रेबर्ट स्किन है उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया तो यहाँ पर बेबी की स्किन को रैबिट की स्किन की तरह माना है इसलिए यहाँ पर रैबिट को फिल किया गया है सेकंड देखते हैं रवि इज द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन द आर्मी ही इज अ लायन अमंगस्ट अदर्स। यहाँ पर लायन फिल करना है शीव इज अ वेरी स्विफ्ट चाइल्ड ही इज द चीता ऑफ हिज क्लास स्विफ्ट उसके साथ चीता लगेगा फोर्थ देखें चिंटू इमिटेट्स हिज एल्डर ब्रदर किसी की नकल करना तो ये काम मंकी करता है इसलिए यहां पर मंकी को कल किया गया है इसके बाद हॉट क्वेश्चन है वॉट शुड बी आर प्रायरिटी आर पर्सनल ग्रोथ और आर मदरलैंड ग्रोथ वाई हमारी क्या प्रायरिटी होनी चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ या अपनी जो मदर लैंड है जो अपनी कंट्री है उसकी ग्रोथ और आपको एक बताना होगा कि क्यों इसका आंसर है आर प्रायोरिटी शुड बी ग्रोथ ऑफ आर मदर लैंड हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हम अपनी मदरलैंड की ग्रोथ करें अपनी कंट्री को बढ़ाएं। बिकॉज इफ वी वॉन्ट टू इंक्रीज आवर पर्सनल ग्रोथ देन वी विल हैव टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ अदर्स क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ बढ़े उसके लिए हमें दूसरों की प्रोग्रेस करनी होगी उसको बढ़ाना होगा एन इंडिविजुअल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इस नेशन और किसी भी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस डिपेंड करती है उसके अपने राष्ट्र की प्रोग्रेस पर जैसे जैसे देश तरक्की करता है वैसे वैसे उसके रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं देशवासी होते हैं उनकी प्रोग्रेस होती है इसलिए हमें सबसे पहले अपनी मदर लैंड के ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए ना अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में लाइफ स्किल्स है ए पार्ट है सम चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास ऑफन स्पीक अबाउट गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज एंड दे प्लान्स टू सेटल देयर यू स्ट्रांगली फील दैट वन शुड स्टे इन वन्स ओन कंट्री हाउ विल यू हेल्प देम सी योर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चिल्ड्रन आपकी जो क्लास के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि अपने फर्दर स्टडीज के लिए आगे पढ़ाई करने के लिए वो स्टडी जाए और वहां पर सेटल होने के लिए प्लान करते हैं लेकिन आप इसमें कि तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने कैसे रखेंगे इसका आंसर है आई विल ट्राई टू कन्विम दैट आफ्टर कम्प्लीटिंग द स्टडीज इट वुड बी बेटर टू स्टे इन ओन कंट्री इसके लिए मैं उनको कन्विंस करूंगी या करूंगा कि स्टडी को कंप्लीट करके यही बेटर होगा कि अपने कंट्री में स्टे किया जाए अपने कंट्री में ही रहा जाए वी शुड ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ आर कंट्री और उनको ये भी समझाना होगा कि हमें अपने देश के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए वी शुड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल और हमें जितने भी गरीब लोग हैं उनकी प्रोग्रेस के लिए उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाने के लिए काम करना चाहिए इट विल नॉट ओनली गिव अस पर्सनल सेटिस्फेक्शन बट आर प्रोग्रेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आर नेशन इससे हमें ना केवल अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा हमें अपने मन में संतुष्टि मिलेगी बल्कि जो हमारी ग्रोथ है जो हमारा डेवलपमेंट है प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है हमारे राष्ट्र की प्रोग्रेस पर जैसे जैसे हमारा राष्ट्र प्रोग्रेस करेगा हमारी अपनी भी प्रोग्रेस होती चली जाएगी इसके बाद बी पार्ट देखते हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न स्क्रिप्चर्स एज वेल एज साइंसेस डिस्कस विद योर पार्टनर हमें स्क्रिप्चर्स के साथ साथ साइंस को सीखना क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जरूरी है इसको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए ये क्वेश्चन है इसका आंसर देखते हैं रिसोर्स ऑफ जितने भी हमारे पुराण हैं ग्रंथ हैं ये सारे इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं इनमें जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा रिच है इनको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है टीच अस मॉरल वैल्यूज ये स्क्रिप्चर्स हमें मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं दे आर द बैकबोन ऑफ आर सोसाइटी ये हमारे सोसाइटी के बैकबोन की तरह है साइंस है साइंस ने भी जितने भी फिजिकल डायमेंशन है लाइफ के उनकी मिस्ट्री को सुलझाने का काम किया है इट हैज मेड अ मैनस लाइफ बेटर एंड कंफर्टेबल साइंस की वजह से ही एक पर्सन की जो लाइफ है वो कंफर्टेबल और बेटर हो गई है इट इज वेरी टू लर्न द वेल साइंस इसीलिए स्क्रिप्चर के साथ साथ साइंस इन दोनों को ही सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें इनको अच्छे से स्टडी करना चाहिए इसके बाद हम वैल्यूज देखते हैं द पोय भारत देश हाईलाइट सर्टेन इम्पोर्टेंट वैल्यूज विच द दिटिजन ऑफ ए कंट्री नीड टू एम्बेट इनसेल टू मेक देयर प्रोग्रेस कैन यू शॉर्टलिस्ट भारत देश पोयम कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज जो है उनको हाईलाइट करती है जिन्हें एक देश के जो नागरिक होते हैं उन्हें अपने अंदर इसको डेवलप करना चाहिए इन वैल्यूज को अपनाना चाहिए इस तरह से इन वैल्यूज को अपनाकर वो अपनी कंट्री की प्रोग्रेस कर सकते हैं कैन यू शॉर्टलिस्ट दैम तो यहाँ पर आपको उन इंपोर्टेंट वैल्यूज को शॉर्टलिस्ट करना है उनको बताना है आंसर है द वैल्यूज विच दिटिजन ऑफ ए कंट्री नीड टू एम्बेड आर द फॉलोइंग तो ये वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है फेयरलेस जेनरस ट्रूथफुल एडवेंचरस नेवर टू बी लेजी सेल्फ सफिशियंट हैविंग नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स एज वेल एज साइंस लास्ट में राइटिंग स्किल्स है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन यहाँ पर इसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसका टॉपिक है आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन मुझे इंडियन होने पर गर्व है तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आप इसको देखकर आप इसे सीख सकते हैं कि आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है आप इस पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में भी चेंज कर सकते हैं I am proud to be an Indian because our rich cultural heritage, diverse traditions and the spirit of unity make India truly unique. The vibrant colors of festivals, melodious tunes of classical music and delicious food reflect the beauty of our nation. India has launched a number of satellites in space for helping us in weather forecast, communications, medical research and education. I am proud of India's progress and the spirit of innovation. Being Indian is not just a nationality; it is a celebration of the collective journey towards a bright future. तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है आप अपने वर्ड्स में इसे चेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको इन आंसर्स को पढ़कर पोइम को सीखने में और अच्छे से हेल्प मिली होगी Thank you.